आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे 3i इन्फोटेक के बारे में जब से इनकी सेल हुई है उसके बाद से स्टॉक काफी तेजी से चला तीन दिन के लिए कुछ लोड सर्किट लगा पर आज जो फ्राइडे के दिन अच्छी रिकवरी हुई है बहुत बढ़िया काम हो रहा है इस स्टॉक में आने वाले समय में तेजी का रुख रखेगा और बहुत ही ऊंचा जाने की उम्मीद है स्टॉक की क्या है टारगेट वो भी बताएंगे और साथ ही साथ में अगर आपको एंट्री करनी है तो क्या से स्ट्रेटी से एंट्री की जाए कहां एंट्री की जाए उसके बारे में भी बताएंगे आइए चलकर हम इस ब्यूटीफुल स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इन्फोटेक की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना एक बिजनेस यूनिट सोल्ड किया है एक सॉफ्टवेयर डिविजन सोल्ड किया है जिसके थ्रू उन लोगों को काफी अच्छा पैसा मिला है और उनकी मार्केट कैप से भी ज्यादा पैसा मिल गया है एक करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी अभी के हिसाब से आज की बात की जाए पर जब इस टाइम पे सोल्ड किया था उस टाइम पर ये 800-900 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी तो उस अपनी मार्केट कैप से भी ज्यादा 1000 करोड़ में उन्होंने यूनिट को सोल्ड किया था अब इससे होगा क्या इन्होंने रिडक्शन का प्लान कर रहे थे वो इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है जिसके चलते हुए इनको आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी मिलेंगी डेफिनेटली और साथ ही साथ में डेप्ट रिड्यूस होने की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी अगर देखिए खबर के बारे में देखिए थ्री आई इन्फोटेक ने एपेक्स पार्टनर को अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस सेल कर दिया है 1000 करोड़ में और ये मार्केट वैल्यूएशन की बोथ ऑफ द बिजनेस सेगमेंट सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की मिलाकर उस टाइम पर 955 करोड़ के आसपास थी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस विल एक्वायर बाय द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी नेम एजेंटियो सॉफ्टवेयर

More than years हो चुके हैं। अगर हम देखें, साल 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 से, 13 साल से, 17 साल से काम कर रही, है। Sorry, 17 years. और अब अगर यहां पर देखें तो ट्वेंटी सेवन ईयर्स के बाद नाइनटीन नाइनटी थ्री में इसकी स्टार्टिंग हुई अब इसने करीब करीब एक हजार दो सौ कस्टमर्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज वर्टिकल में अलग अलग कंट्रीज में

एम लॉक फाइनेंशियल क्राइम डिटेक्शन एंड कंप्लायंस सॉफ्टवेयर स्यूट प्राइमा एस्ट्रा कोर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर एम एफ एम फंड प्लस एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एंड ऑरियन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर तो ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट इन्होंने अपने सेल कर दिए टुडे अनाउंसमेंट ऑल थ्री आई स्टेक होल्डर्स आई फोर सी वेरी एक्साइटिंग फ्यूचर फॉर बहुत आई टी सर्विस बिजनेस आगे आने वाले समय में जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला कि की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहेंगी आगे आने वाले समय में तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है सॉफ्टवेयर में अच्छे माहिर महारा हासिल है इनको प्लीज कंसल्टर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग फंडामेंटल अगर कुछ व्यू देखा जाए तो जैसा बताया 1300 करोड़ का अभी इसकी मार्केट कैप है और सेल्स की दृष्टि से इनकी पिछले क्वार्टर में 250 करोड़ की सेल्स थी थी और प्रॉफिटेबिलिटी 15 करोड़ करोड़ के आसपास पर इंटरेस्ट उनको 9 करोड़ का पे करना पड़ता था जो कि एक डेप्ट की वजह से प्रॉब्लम है इनको हमारे चैनल का फाइव बाई फाइव रूल हमेशा ध्यान रखेगा दोस्तों अब जरा चलकर अगर हम यहां पर कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया जाए तो आपको पता लगेगा कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए आपके लिए तो इंट्राडे का अगर हम चार्ट देखें यहाँ से तो मॉर्निंग में एक हाई बनाया 831 उसके बाद काफी देर तक लोअर सर्किट में रहा फिर उसके बाद इसने अपर सर्किट को भी टच किया तो फ्री फ्लोट क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है फ्री फ्लोट कम होने की वजह से इसमें जब तेजी का रुख आता है तो अपर सर्किट बहुत जल्दी लग जाता है देखिए आपको क्लियर कट दिखाई देगा यहां से जैसे ही न्यूज़ आई थी तो ₹5 से बढ़कर ये करीब-करीब यहां तक नौ रुपए तीस पैसे तक चल गया उसके बाद तीन दिन तक लगातार सर्किट लगा है नीचे और आज फ्राइडे के दिन जो बंद हुआ है वो शुरुआत हुई थी सेवन सिक्स पर और बंद होते थे एट फोर्टी पर जाकर बंद हुआ है अब अगर हम यही चीज बुलिंग बैंड के बेसिस पर देखें तो अच्छी जगह से बाउंस बैक किया है मिड लेवल तो नहीं है बट ऑलमोस्ट नीचे के लेवल से बाउंस बैक करना एक अच्छा साइन है कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार कर रहा है और नेक्स्ट लेवल जो होगा वो अभी 975 के आसपास इसका ट्रैकिंग है अगर हम इसका एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर देखें तो यहां से इसने बाउंस बैक बहुत अच्छा लिया है एलिगेटर इंडिकेटर से और यहां इसके बाद में अगर हम मैगडी को देखें तो मैगडी ने भी बाई सिग्नल जनरेट किया था पर यहां पर मोमेंटम थोड़ा कम होने की वजह से आगे शायद मोमेंटम पॉजिटिव चलेगा फिर से RSI की बात की जाए तो RSI 74 के आसपास है ये हाई जा चुका था 94 के आसपास और यहां पर सुपर ट्रेंड करीब 770 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो कंक्लूजन की बात है आप इसको करंट मार्केट प्राइस पर खरीद सकते हैं और आने वाले समय में हमारा व्यू इस पे बुलिश व्यू है और हमारा टारगेट इसका करीब-करीब 20 रुपए का है आने वाले 2 साल के अंदर बाय कीजिए होल्ड रखिए और लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन होगी दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में लर्निंग करना चाहते हैं स्पेशली ट्रेडिंग के सीखना चाहते हैं तो आपको हैंड होल्ड ट्रेडिंग सिखाई जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें आप पैकेज यूज कर सकते हैं एट थाउजेंड रुपीज चार्जेस हैं जनवरी मंथ का डिस्काउंट रेट है एट थाउजेंड रुपीज के लिए मिल ड्रॉप कीजिए आपके लिए चार वीडियो प्रश्न जाइए भारत पाएगा